आ चुकी है मेरे पास फायरबोल्ट की तरफ से फायरबोल्ट टॉक प्रो। तो इसी की आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या क्या इस वॉच के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ ये वॉच आती है। तो लास्ट टाइम मैंने फायरबोल्ट टॉक 2 का रिव्यू किया था यार, तो उसी का ये अपग्रेड वर्जन आया है फायरबोल्ट टॉक प्रो। तो इसके अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप मत करना। तो फटाफट चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर फीचर्स और कैसी लगती है दिखने में ये वॉच। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और यार इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको मिल जाता है यूज़र मैनुअल, जिसको आप पढ़ के इस वॉच को ऑपरेट कर सकते हो, एंड उसी के साथ मिलता है आपको एक वारंटी कार्ड फायरबोल्ट की तरफ से, एंड साथ ही आपको मिल जाते हैं कुछ सब्सक्रिप्शन कार्ड्स, जिसके अंदर आपको Gaana.com Zee Premium का सब्सक्रिप्शन कार्ड देखने को मिल जाता है, और साथ ही मिल जाता है आपको एक चार्जिंग केबल जिसकी क्वालिटी यार काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, और यार साथ में आती है वॉच जिसके साथ आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी प्रोवाइड किया गया है इस वॉच के साथ। तो चलिए फटाफट इसको हम ऑन कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर फीचर। सो वॉच हमारी ऑन हो चुकी है, तो दिखने में कुछ इस तरीके का लुक आपको मिल जाता है इस वॉच का। काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ ये वॉच आती है। इस वॉच के बिल्ड एंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मेटेलिक फ्रेम देखने को मिल जाता है, बैक साइड में प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, सेंटर में आपको SPO2 एंड HR का सेंसर प्रोवाइड किया गया है, एंड जस्ट उसके ऊपर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपको इनबिल्ट स्पीकर एंड माइक का ऑप्शन देखने को मिलता है। माइक की जो पोजीशन है आपको यहाँ नीचे देखने को मिलती है, एंड स्पीकर आपको यहाँ लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है। स्पीकर के अंदर आप म्यूज़िक इन्जॉय कर सकते हो, एंड साथ ही साथ ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर्स भी यूज़ कर पाओगे। तो साइड में आपको मिल जाता है क्राउन जो कि वर्किंग है, इसको आप रोटेट करके अपने वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो, एंड इस क्राउन से आप मेन मेन्यू को भी ऑपरेट कर सकते हो, एंड जस्ट उसके नीचे आपको एक सेकंड बटन देखने को मिल जाता है जिसको आप प्रेस करके डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे जा सकते हो। एंड इस वॉच के स्ट्रैप्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 22mm का स्ट्रैप्स प्रोवाइड किया गया है। स्ट्रैप्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको, सिलिकन मटेरियल का आपको स्ट्रैप्स दिया गया है इस वॉच के अंदर। तो यार ओवरऑल इस वॉच की जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच देखने को मिलती है। सो अब बात कर लेते हैं इस वॉच के फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको 1.32 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको 360x360 का पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि यार डिस्प्ले क्वालिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करती है। आउटडोर में इस वॉच को अगर आप यूज़ भी करते हो तो भी आपको ब्राइटनेस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है आपको ये वॉच। अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है आपको इस वॉच के अंदर, एंड साथ ही साथ ऑफकोर्स ये वॉच आती है ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड किया गया आपको इस प्राइस रेंज के अंदर। ये वॉच अभी आपको अंडर 3000 देखने को मिल जाएगी, एंड यार इसी के साथ साथ इस वॉच के अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर्स प्रोवाइड किया गया है। एंड बात करूँ इस वॉच के स्पोर्ट्स मोड की, तो इसके अंदर आपको 60 स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किया गया है। डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो मोस्टली आपको सारे स्पोर्ट्स मोड इस वॉच के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है, साइकिलिंग रनिंग वॉकिंग सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं इस वॉच के अंदर आपको। अब बात करूँ इस वॉच के हेल्थ ट्रैकिंग की, तो इसके अंदर आपको हार्ट रेट, स्लीप मोनिटर, स्ट्रेस मोनिटर, BP मोनिटर एंड ब्रीथ मोनिटर जैसे तगड़े फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं इस वॉच के अंदर। बैटरी लाइफ की बात करूं तो कंपनी जो क्लेम करती है इस वॉच के अंदर आपको 30 डेज स्टैंड बाय, एंड इस वॉच को अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो इसके अंदर आपको 4-5 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ इस वॉच के अंदर आपको 1-2 दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एंड बात कर लेते हैं वाटर रेजिस्टेंस की, तो इस वॉच के अंदर आपको IP68 देखने को मिलता है। तो यार मोस्टली ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आपको IP67 ही देखने को मिलता है, बट इस वॉच के अंदर आपको IP68 का फीचर्स प्रोवाइड किया गया है। सेटअप एंड एप्लीकेशन की बात करूँ तो इस वॉच को आप द फिट एप्लीकेशन के साथ पेयर कर सकते हो, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में सेटअप करके दिखाया, तो उस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब बात कर लेते हैं इस वॉच के UI के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर से स्वाइप अप करते ही आपको सेटिंग के कुछ शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं, एंड इसके अंदर आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको वाइब्रेशन, ब्राइटनेस एंड सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेटिंग के अंदर भी आपको काफ़ी सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट, फ़ोन कॉल, कॉल रीसेट, स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, रीसेट एंड पावर ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड वहीं नीचे स्वाइप करते ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। एंड राइट से स्वाइप अप करने पर आपको कुछ शॉर्टकट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको डेली एक्टिविटी शो हो जाती है, कितने स्टेप्स काउंट लिए आपने, कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाती है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट, फ़ोन कॉल्स, हार्ट रेट, वेदर फोरकास्ट, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल एंड ब्रीथ मोड देखने को मिल जाता है। एंड वहीं लेफ्ट से स्वाइप अप करते ही आप मेन मेन्यू में चले जाते हो, जहाँ पर आपको वॉच के सारे फीचर्स शो हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस वॉच के कॉलिंग क्वालिटी के बारे में।
हेलो। हाँ हेलो, क्या हाल है? हाँ भाई बढ़िया। तू बता। बस बढ़िया। अभी आवाज़ कैसी आ रही है मेरी? सही आ रही है। तू क्या हुआ? बस कुछ नहीं, अभी मैं ना वॉच से कॉल कर रहा था। अभी मेरे पास वॉच आई थी फायरबोल्ट की, फायरबोल्ट अच्छा टॉक अच्छा प्रो। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है बिल्कुल? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। वॉइस क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इस वॉच। हाँ सही लग रही है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही वैसे तो। ठीक चल ठीक है ना, करता हूँ मैं तेरे से फिर बाद में बात। ओके ठीक चल ओके। ठीक, बाय। बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो इस वॉच के अंदर आपको कैमरा कंट्रोल, म्यूज़िक कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, स्टॉप वॉच, अलार्म जैसे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी के बारे में, और फटाफट हम चेक कर लेते हैं इस वॉच के अंदर हार्ट रेट और देखते हैं क्या रीडिंग प्रोवाइड करती है हमें वॉच हार्ट रेट का। तो हार्ट रेट की रीडिंग आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलती है आपको ऑक्सीमीटर और वॉच के अंदर। वॉच में आपको 92% शो हो रही है, वहीं आपको ऑक्सीमीटर के अंदर 94% शो हो रही है। तो यार इस वॉच के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया एक्यूरेसी देखने को मिलती है हार्ट रेट के अंदर। तो अब SpO2 चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या रीडिंग प्रोवाइड करती है हमें वॉच SpO2 का। सो SpO2 की रीडिंग भी आ चुकी है वॉच के अंदर, आप देख सकते हो 99% शो हो रही है, एंड वहीं ऑक्सीमीटर के अंदर आपको 98% शो हो रही है। तो यार दोनों ही चीज़ों की आपको काफ़ी बढ़िया रीडिंग प्रोवाइड कर रही है वॉच। एक्यूरेसी के मामले में इसके अंदर आपको 85-90% की एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। सो अब फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं अभी फायरबोल्ट टॉक 2 लें या फिर फायरबोल्ट टॉक प्रो। दोनों ही वॉच लगभग सिमिलर हैं, दोनों वॉच के अंदर आपको 500 का डिफरेंट देखने को मिलता है। फायरबोल्ट टॉक 2 आपको 2500 का देखने को मिलता है, एंड वहीं आपको फायरबोल्ट टॉक प्रो 3000 की देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही वॉचेज़ में सारी चीज़ें कॉमन है, बट इस वॉच के अंदर आपको क्राउन जो दिया गया है वो वर्किंग है, उसको आप रोटेट करके अपने वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो एंड मेन मेन्यू को भी ऑपरेट कर सकते हो। एंड इस वॉच के अंदर आपको जो डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर आपको अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर आपको 360x360 का पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ इस वॉच के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। तो यार दोनों ही वॉच के बारे में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए। सो इस वॉच को भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से इस वॉच को आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो। सो यार होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।